नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे कार्यक्रम हम आप और संवाद। आज हमारा संवाद होने जा रहा है श्री जी एस कांबड़े जी से। जी एस कांबड़े यानी कि गंगाधर जी कांबड़े, ये एक फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट है। और साथ ही बताना चाहूंगी कि एक अंबेडकरी मिशन पर ये काफी कार्यरत है। अंबेडकर, फूले, शाहू, इन मूवमेंट्स में काम करते हैं। आइए जानते हैं इन्हें और इनके कार्य को। सर, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर कि आप एक छोटे से गांव से आते हैं, तो आपके गांव के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में और जहां पर आप पले बड़े हैं उस माहौल के बारे में जानना चाहूंगी। तो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में मुखेड़ तहसील के अंदर एक सकनूर नाम का एक छोटा विलेज है। 2000 तक पॉपुलेशन है वहाँ का। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ थे। मेरी पढ़ाई वहाँ चौथे तक उस गांव में हुई और पांचवी से दसवीं तक मैं मेरे गांव के नज़दीक एक गांव है बारहरी नाम का गांव, वहाँ मैंने पढ़ाई किया। तो 1978 में मैं आठवीं कक्षा में पढ़ाई करता था। उसी वक्त हमारे गांव के बाजू में एक हिम्पल नारी नाम का एक विलेज है छोटा। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हुई ये गाँव में। मैं ये जयंती के लिए गया था और ये जयंती में जो लोग नारे दे रहे थे, घोषणाबाजी कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जय असो, नारी के सम्मान करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का जय असो, अस्पृश्य लोगों को जिन्होंने अधिकार दिया उनका जय असो, ऐसे उसने नारे दिए घोषणाबाजी। ये मुझे बहुत अपील हुआ और वहाँ से मेरे गाँव में आकर मैं और मेरा एक साथी था, दूसरा मेरी क्लासमेट था, उनको साथ में लेकर मैं मेरे हमारी जो मातंग लोगों की जो बस्ती थी, बस्ती के बस्ती में एक बैठक बुलाई दोनों कम्युनिटी, मातंग और बुद्धिस्ट, और हमारे गांव में जयंती का प्रोग्राम का ये बनाया, ज्ञान बनाया। और उस दिन से मेरे ये सामाजिक मूवमेंट की, सोशल मूवमेंट का जो शुरुआत है वहाँ से शुरुआत हो गई मेरी। और वो 1978 में हुआ, यानी उसके बाद अगस्त में नामांतर की ये शुरुआत हो गया, आंदोलन शुरुआत हो गया, मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर का आंदोलन शुरुआत। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगी कि नामांतरण जब हुआ, जब आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, पर उस बात को जाने से पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप जैसे एक छोटे से गाँव से आते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जातीयवाद बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे गाँव में अभी भी किया जाता है, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई प्रसंग हुआ? हाँ, तो जब नामांतर का जो आंदोलन शुरुआत हो गया और हम तो हमारे खेत में जाते थे, गांव में जाते थे, तो हमारे गांव के जो हमारे उम्र के जो लड़के थे वो हमें बोलते थे कि ये आपको हम आपके बस्ती जलाने वाले हैं, आपको मारने वाले हैं, तुम तो ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं है क्योंकि तुम्हारा अभी ख़त्म हुआ है, ऐसे वो लड़के बोलते थे। और इस जो लोगों का जो बोलने का था, और कास्टिज्म था, बहुत कास्टिज्म था। हमारे गांव में एक होटल था, वो होटल में एक कब्बसी बाहर रखी गई थी चाय पीने की। तो हमें उसकी वहाँ का जो उम्र थी उस टाइम की, तो हमें बहुत बुरा ही लगता था कि ये कास्टिज्म क्यों है, इतना ज़्यादा कास्टिज्म क्यों है। देखो, लोगों को बाबा साहब के नाम के लिए लोग नाम मांगने के लोग विरोध में लोग अनेक मागा सोगी के लोग हैं, एससी के जो लोग हैं उनके बस्तियाँ जला दिया, लोगों को मार रहे, तो ये हमारे ऊपर बहुत गहराई से परिणाम हुआ उसका। और उसे आगे सोशल मूवमेंट की प्रेरणा मिलती चली आगे आगे, जो चीफ जो लोगों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, तो उसका बहुत हमारे मेरे दिल पर बहुत गहराई से परिणाम हुआ। और वहाँ से ज़्यादा काम करने का मैंने डिसाइड किया कि आप ज़्यादा काम करने का, बाबा साहब के मूवमेंट का ज़्यादा काम करने का। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, क्या उसी वक्त आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा जागी आपके मन में, या फिर मैं जानना चाहूँगी कि आपका प्रेरणा स्थान कौन रहे कि इस मोमेंट में अंबेडकरी मिशन को आगे बढ़ाने का जब आपने ठाना, तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हाँ, उस ये मेरी प्रेरणा सबसे पहले वो जो जयंती में जो सहभागी हुआ जी, और उसके बाद में एक मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के जो साउंड है, वामन दादा कर रखे, उसने तो ये पूरे सॉन्ग्स थे ये मैंने पढ़ लिया। और उसी दिन से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जिधर हमारे गांव के आजू बाजू में 10-15 किलोमीटर जिधर जिधर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के प्रोग्राम हुए वहाँ तक मैं जाता था, गांव में जाता था। और
जयंती के जो भाषण होते थे वो भाषण सुनने का, उसके बाद कला पथक के गाने होते थे 12 बजे तक रात, तो कला पथक के गाने सुनने का। और हमारे गांव में बाद में एक बाबा साहब अम्बेडकर की गायन पार्टी बनाया हमारे तरफ, उस टाइम के जो हमारे उम्र के जो लड़के थे उन्होंने, ये प्रोग्राम में मैं शामिल होता था। तो उससे मुझे जो प्रेरणा है तो बढ़ती चली गई, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उम्र बढ़ता गया और ये प्रेरणा ही बढ़ती गई, और कास्टिज्म का जो कास्टिज्म था वो तो परिणाम मेरे ऊपर होता ही। जी बिल्कुल। हाँ, और उस कास्टिज्म ने ही प्रेरणा दे दी है मुझे ज्यादा, ये काम करने का जो स्पिरिट आया वो कास्टिज्म। सर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई प्रसंग आपको ऐसा याद आता है जो याद करके आपको अभी भी रोंगटे खड़े हो जाए, जो कास्टिज्म उस वक्त होता था, कोई प्रसंग आप शेयर करना चाहेंगे अभी इस वक्त? तो हमारे गांव में हमने 1993 में गांव में जो भगवान का मंदिर है हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर में हमारे लोगों को मंदिर प्रवेश के लिए बंद था। जी। तो हमने एक दिन ऐसा अन्नाभाऊ साठे जयंती के लिए मुकरमाबाद नाम का एक गांव है वहां गए, और उधर एक जायभाई नाम के पी आए थे और वो प्रोग्राम के लिए बंदोबस्त के लिए आए थे। तो उनके साथ चाय लेने के वक्त हमने चर्चा किया कि हमारे गांव में आज भी मंदिर में प्रवेश नहीं है। नहीं। तो जायभाई नाम के पी आए ने बोला कि भाई तुम करो, मैं आपको संरक्षण देता हूँ, बंदोबस्त देता हूँ। तो हमने उसी जगह डिसाइड किया है कि हमारे गांव में मंदिर प्रवेश करना है 1993 में। तो तारीख फिक्स किया, उसके पाम्पलेट्स निकाले, और उसी दिन बहुत बड़ा उन्होंने पुलिस संरक्षण दे दिया हमारे गांव में, और मंदिर प्रवेश हुआ। 4-5 गांव में हमने मंदिर प्रवेश किया। हमारे गांव में जिस दिन हमने मंदिर प्रवेश किया, ये हमारे गाँव में धोबी जात के एक तो मकान थे, धोबी कपड़े धोने वाले, और कई हटकर जात के। तो जिस दिन मंदिर प्रवेश किया हमने, उस दिन से उसकी जो हमेशा के लिए बोलने का जो तरीका था, हमारे साथियों से व्यवहार था, तो बदल गया। जी सर, बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि इकट्ठा रहना, अगर हम एकत्रित हो तो कोई तोड़ नहीं सकता। और रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसी बात को आगे और भी बढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जी एस सर से बातें आगे और भी होंगी, आप देखते रहिए, तब तक के लिए आवाज इंडिया टीवी। मंदिर प्रवेश करने का डिसाइड किया, बाबा साहब के आंदोलन का इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी ज्यादा, और बाद में हमें समझ में आया कि ये आंदोलन हमारा नहीं है। फिर भी हमें अनुभव यह आया कि लोगों में कितना कास्टिज्म है, जो नागरी है, सुधार है गांव के पॉपुलेशन इतना कम है, गांव में एक दो एक घर है, नहीं तो दो घर है। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत करना चाहूंगी, आप सभी देख रहे हैं हम आप और संवाद, हमारा संवाद जारी था जी एस सर से। सर फिर एक बार आपको वेलकम करना चाहूंगी इस शो पर, और जैसा हमारी बातें शुरू थी, जैसा आपने बताया था कि मंदिर के लिए आप लोगों ने उस वक्त 93 में जो आंदोलन किया था और मंदिर प्रवेश मिला, आप उस बारे में और भी कुछ बता रहे थे? नहीं, उसमें जो हमें अनुभव आया जी, गांव में जो लोग हमारे साथ जो व्यवहार करते थे पहले, मंदिर प्रवेश करने के पहले जो व्यवहार था हमारे साथ, और मंदिर प्रवेश होने के बाद उन लोगों का व्यवहार में पूरा बदल हो गया। अच्छा। व्यवहार करने में, बोलने में तो बदल हुआ है, हमें समझ चुका है कि लोगों के मन में कितना ज्यादा कास्टिज्म है। जी। और बाद में वो विषय हमने छोड़ दिया, तो हमारा विषय नहीं है। मेरा एक यहाँ सवाल उठता है मेरे मन में कि जैसे बाबा साहब के काल में उन्होंने भी काड़ाराम मंदिर का एक जो मूवमेंट एक किया था, एक आंदोलन किया था, पर उसके बाद जब दीक्षा ले ली तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा हमें सभी को दी। 93 में हुआ है, बाबा साहब के मूवमेंट का इतना अनुभव ज्यादा नहीं था हमें। जिस टाइम हमने ये मंदिर प्रवेश करने का डिसाइड किया, उस टाइम हमें बाबा साहब के आंदोलन का इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी ज्यादा। जी। और बाद में हमें समझ चुका है कि ये आंदोलन हमारा नहीं है। फिर भी हमें अनुभव ये आया है कि लोगों में कितना कास्टिज्म है, ये जो नावी है, सुतार है, गाँव के पॉपुलेशन इतना कम है, गाँव में एक दो एक घर है, नहीं तो दो घर है। जी। और फिर भी उनके मन में हमारे बारे में बहुत कुछ कास्टिज्म है, ये हमें समझ चुका। वो विषय हमने बाद में छोड़ दिया कि विषय हमारा नहीं है। जी। बाद में मैंने
एक लवजी सेना नाम का काम शुरू किया, लवजी सेना, लवजी सेना। और ये मातंग कम्युनिटी को इकट्ठा करने का, उनमें जागृति करने का ऐसा उसने मकसद था, उद्देश्य था। और लवजी सेना का मैंने 2000 तक काम किया, 2000 तक। और 2000 तक काम करने के बाद मुझे ऐसा अनुभव आया कि आप एक जाति को इकट्ठा कर रहे हैं, एक जाति को इकट्ठा करने के लिए दूसरे जाति का मत्सर और दूसरे जाति का द्वेष कर रहे लोगों के मन पे ये कर रहे। एक जात इकट्ठा करने का है तो दूसरे जाति को गालियां देना पड़ता जी। ये साइकोलॉजी है। तो मुझे ऐसा 2000 साल में ऐसा एक्सपीरियंस आया, अनुभव आया कि आप थोड़ा गलत काम हो रहा है अपने मेरे हाथों से गलत काम हो रहा है। तो आप फुले अम्बेडकर का काम ये नहीं कि एक जाति को स्प्रिट करने, एक जाति की स्प्रिट बढ़ाने का और दूसरे जाति के साथ दुश्मनी करने का, मतलब जो अपने नज़दीक के जो लोग हैं उनके साथ दुश्मनी करने का, ये फुले अम्बेडकर का काम नहीं, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैंने 2000 साल में मेरे काम में बदल किया है, ये काम हमारा नहीं है। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने समझ लिया कि क्या काम है, उसके बाद जब आपने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन आपका बढ़ा दिया, तो क्या क्या स्टेप्स आपने लिए कि अम्बेडकरी फुले थॉट्स सब लोगों तक पहुंचे? उसके लिए आपने जो स्टेप्स लिए वो मैं जानना चाहूंगी आपसे, और साथ ही हमारे दर्शकों तक वो बातें पहुंचे मैं जानना चाहूंगी। मैंने 2000 साल को ये डिसाइड किया है कि एक जात का काम करने का है, लेकिन दूसरे जाति के साथ जोड़ने के लिए करना है। तो पहले स्टेप में हमने ये किया कि हमारा जो अभिवादन था, अभिवादन तो हमारा क्या रहेगा, तो जय भीम अभिवादन रहेगा, जय भीम। दूसरा जो संगठना का जो महत्वपूर्ण ये है कि जो झंडा, वो झंडा पहले हम लाल झंडा लगाते, लोगों को यही बताते थे कि लाल झंडा लगाओ। तो हमने 2000 साल को यही बंद किया है कि लाल झंडा लगाने का नहीं, वो नीला झंडा लगाने का। जय भीम का नारा, लाल झंडा और बाबा साहब अम्बेडकर ही अपना आइडल बनाने का जी, नीला झंडा। तीन गोष्ठी हमने डिसाइड किया, फाइनल किया, ये इनके ऊपर अपना मूवमेंट आगे चलेगी जी। तो हमारे जो जातीय मानसिकता के जो लोग थे, साथी थे हमारे साथ में, मेरे साथ में, ये सारे के सारे लोग मेरे अपोज में गए थे, विरोध में चले गए जी। सारे के सारे लोग। तो मेरे मैंने ये किया कि मेरे साथ में जो लोग थे, 10 साल मेरे साथ में थे, वो लोग पूरे पूरे विरोध गए और मैं अकेला रहा। फिर भी मैंने निश्चय किया कि हमने जो रास्ता तय किया है, हमने जो रास्ता फाइनल किया है, वो सच्चाई है। लोग चले गए, ठीक है, जाने दो। तो बाद में उसी वक्त उसका जो पीरियड था हमारा, तो बहुत बेकार और खड़तर पीरियड था। उसी पीरियड में कई बुद्धिस्ट विचार के आदमी, कई बुद्धिस्ट विचार के आदमी, बुद्धिस्ट बोलो तो कास्ट से बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट विचार से कई माली है, उसमें मराठा है, धनगर है, बंजारा है, ऐसे जो लोग हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट विचार के विचारधारा उनके बुद्धिस्ट। ये लोग जुड़ते गए मुझे, ये जो अंदर का जो पीरियड था 2000 से 2004 तक था, जो पीरियड था 4 साल का जो पीरियड था, उसी 4 साल में बुद्धिस्ट के लोग और बुद्धिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, दूसरी कास्ट के हैं, इंटर कास्ट के हैं, लेकिन बुद्धिस्ट विचार के जो लोग हैं, इन लोगों की मेरे साथ दोस्ती हो गई जी। और मेरा काम थोड़ा ऊपर आया जी। और 2004 में मैंने ऐसा किया है कि ये जो लोगों में जो लोगों की जो समस्या है, कि लोगों की समस्या है कि लोग अज्ञानी है जी, लोगों को शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, और पढ़ाई भी है तो मनुवाद की पढ़ाई है, मनुवाद की पढ़ाई करते हैं, तो फुले अम्बेडकर की पढ़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अज्ञान है, तो अज्ञान कम करना तो अपना भोजन का काम बढ़ेगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप ये काम कर रहे थे, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जितने समर्थक है उससे कई ज़्यादा विरोधी भी है, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। मेरे 2000 से 2004 तक तो इतनी मेरी कठिनाई चली गई, इतनी कठिनाई है मेरे ऊपर कि मुझे लोग देखते और दूर से भाग जाते थे जी। मुझे देखने के बाद वो दूर से भाग जाते थे, वो महार का आदमी है, उसका पिता महार है, और वो महारों का एजेंट है, ऐसे बोलते थे। और ये उनकी संख्या अब कम हो गई, लेकिन 2010 तक बहुत कठिनाई को मैंने सामना किया
जी। लोग मुझे देखकर थूकते थे, इतनी कठिनाई थी कि मुझे देखकर लोग थूकते थे और बाजू में जाते थे ऐसी। फिर भी मैंने उनको ये कठिनाई को मैंने सामना किया, क्योंकि मुझे उसी समय में बाकी इतर जो लोग थे जो ये विचार के लोग है, इसी कठिन परिस्थिति में मुझे ज्यादा से ज्यादा बौद्ध लोगों ने साथ दे दिया। जी बिल्कुल, मैं पूछने ही वाली थी आपको कि ये काम जो है वो अकेले इंसान की तो बात है नहीं, तो सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको सपोर्ट किन का मिला ऐसे मुसीबत के समय पर, जब लोग थूकते थे, मतलब विरोध करने वाले काफी ज्यादा थे, तो उस वक्त सपोर्ट किसने किया आपको? ये कठिन परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा बौद्ध लोगों ने साथ दे दिया। बौद्धों के जो कार्यकर्ता है, कई अधिकारी है, कई कर्मचारी, सभी टाइप के लोग थे जी। ये लोगों ने मुझे पूरी तरह का साथ दे दिया, पैसे दे दिए, मानसिक बल दे दिया, शारीरिक बल दे दिया। मेरे प्रोग्राम को बुद्धिस्ट लोग आते थे, पैसे देते थे, मुझे पूरा का पूरा बल, तन मन धन जो बोलते हैं वो तन मन धन जो साथ दे दिया मुझे ये कठिनाई में, तो बुद्धिस्ट लोगों ने साथ दिया। और लहु शक्ति में, ये लहु शक्ति खड़ा करने जी, में बिल्कुल सर, लहु शक्ति जो आपकी मासिक है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, संवाद यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए कार्यक्रम हम आप और संवाद। देश में महापुरुषों ने समता के लिए संघर्ष किया है, समता के लिए, समता के लिए, न्याय के लिए, इन सब लोगों को यहाँ की जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के जो समर्थन है, उन्होंने महापुरुषों को जात में बंदिश किया है सबको। रविदास बोले तो आप और संवाद। स्वागत है ब्रेक के बाद फिर एक बार। आप देख रहे कार्यक्रम हम आप और संवाद, हमारे साथ है जीएस कांबड़े जी। कांबड़े जी फिर एक बार वेलकम करूंगी आपको। सर जैसे आप अंबेडकर, शाहू, फुले, ये मूवमेंट्स आप चलाते हैं, काफी पूरा फुल टाइम अपना देते हैं, अपने जीवन का बड़ा सा आपने हिस्सा दिया है, समर्पण किया है कि ये सब चीज़ें आगे बढ़े, बाबा साहब के थॉट्स जो है वो सब लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जो मासिक आप चलाते हैं लहु शक्ति इस नाम का, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। हाँ, मैंने अपने मूवमेंट का जो अभी तक जो मूवमेंट चले हैं मातंग लोगों के लिए जागरूक के लिए, जो मूवमेंट अभी बाबा साहब के ज़माने से आज तक चालू है जी, मातंग लोगों को जागरूक करने के लिए, तो मैंने ये पूरे मूवमेंट का अभ्यास किया, स्टडी किया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि लोगों में जो प्रचार करना चाहिए, जिन गोष्ठी का, जिन मुद्दे का जो प्रचार करना चाहिए, वो उसके अपोज में चल रहा है जी, अपोज में चल रहा है। और आप तो बाबा साहब अम्बेडकर का, फुले साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है, विचारधारा का धारा का प्रचार करना करने का आपने तय किया है, और ये विचार आप तो एक भाषण एक जगह पे आप दे सकते, एक जगह एक भाषण एक जगह पे दे सकते, तो 100 आदमी होते हैं, कहा 500 होते हैं, कहा 1000 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन एक किताब एक ही टाइम एक 2000 एडिशन निकला तो 2000 लोगों तक आज टाइम जाता है, जो विचार है तो 2000 लोगों तक आज टाइम जाता है, और वो परमानेंट है। अपना जो भाषण है वो परमानेंट है, एक जगह लोगों को दे दिया वो खत्म हुआ, लेकिन आज ये जो प्रिंट मीडिया है परमानेंट प्रिंट मीडिया है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो रहने वाला है। इसीलिए मैंने ये किया कि ये आपको चलाना है जी। तो आप क्या क्या विचार इस जरिए पहुँचाते हैं लोगों तक, थोड़ा और उसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, तो अपने जो लोग हैं, अपने जो लोग बहुत पढ़ाई की वाले हैं, कोई आप PhD है, कोई BA है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर, लेकिन जो अभ्यासक्रम है जो जी ये है जो क्या बोलते हैं उसको, जो एकेडमिक जो अभ्यास है, स्टडी है, तो उसमें ये फुले साहब अम्बेडकर का विचार नहीं जी। अभी जो प्रेजेंट जो अभ्यासक्रम है उसमें फुले साहब अम्बेडकर का और समाज जोड़ने का, इस देश की जो समाज व्यवस्था है, इस देश के स्वतंत्रता आज़ादी के जो आंदोलन थे, और इस देश का जो इतिहास है,
सही इतिहास उसमें नहीं है। हमारा जो इस देश का जो इतिहास है, बहुजनों की आजादी का जो इतिहास है, वो हमारे अभ्यासक्रम में नहीं है। इसीलिए हमारे लोगों को हमारे महापुरुष ने जो आंदोलन किया है, जिसमें फुले, शाहू, बाबा साहेब, अन्ना भाऊ साठे, ये जो महापुरुष है, संत कबीर है, रविदास है, शिवाजी महाराज है, इन लोगों का जो सही इतिहास है, ये सही इतिहास लोगों को मालूम होना चाहिए, ये उद्देश्य था जी। बिल्कुल। और उसका ये अपने सामने रखकर वो लिखते जा रहा हूँ जी। बिल्कुल, ये सब मुद्दों की बातें इस मासिक में होती है, बहुत ही सही बात है, क्योंकि ये हर जगह मिलती नहीं, और भाषण सुनने भी में भी आज के यंगस्टर जो हम कह सकते हैं वो नहीं जाते, तो ये बहुत ही एक अच्छा जरिया रहा है। सर, इसके अलावा आप जो मूवमेंट्स चलाते हैं उसमें किस प्रकार के एक्टिविटीज़ आप लेते हैं, वो जानना चाहूँगा। हाँ। तो मैं 8 साल हो चुके हैं लोक शक्ति का एडिशन कर रहा हूँ मैं जी। 8 साल हो गए। फिर मैं 2011 से एक दूसरा प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया। ये दूसरा प्रोग्राम ये है कि लोगों को अपना लोगों में बदलाव करना है तो संगठन होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो खाली प्रबोधन करके तुम्हारे आपको जैसा चाहिए वैसा आप बदल नहीं कर सकते, इसलिए संगठन होना चाहिए। और इसीलिए मैंने संगठन बनाया है, सत्यशोधक समाज महासंघ एक संगठन बनाया जी। और उस संगठन के बैनर से अंतर्गत जो बाबा साहब के मोमेंट के जो ठिकाने हैं, जो स्थल है, भीमा कोरेगांव है जी, महाड़ है, मानगांव परिषद है, उसके बाद ये यवला है 13 अक्टूबर 1935 का, नागपुर है दीक्षाभूमि, ये जो बाबा साहब के मोमेंट के जो महत्वपूर्ण जो प्रेक्षणीय स्थल है, यही लोगों को बताने का जी। और लोगों को प्रैक्टिकल बताने का कि बाबा साहब यहाँ मूवमेंट हुए, बाबा साहब इधर नागपुर आने के बाद लोगों के मन में जो विचार रहते उसमें चेंज हो जाते देखने के बाद, परिस्थिति देखने के बाद। इसलिए मैंने एक बाजू में बाबा साहब के जो जो ठिकाने हैं और ये मैं बताने का अभी मेरा प्रोग्राम चालू है। मैं हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाता हूँ, वहाँ एक शिविर लेता हूँ मैं कि भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है तो किसने किसके विरोध में किया, कितने लोग थे जी भीमा कोरेगांव की लड़ाई मालूम नहीं है लोगों को। भीमा कोरेगांव मैं पुणे के नज़दीक है, 25 किलोमीटर है पुणे वहाँ से, पुणे के लोगों को ही माहित नहीं कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई किस लोगों ने किसके विरोध में किया, किसके लिए किया मालूम नहीं। तो मैं हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाता हूँ, लोगों को लेकर वहाँ कार्य प्रोग्राम देता हूँ। उसके बाद 13 अक्टूबर को यवला में जाता हूँ, मैं यवला में प्रोग्राम देता हूँ। और पिछले साल से मैं नागपुर आ रहा हूँ, विजयादशमी को नागपुर लोगों को नागपुर ले जाता हूँ। मतलब सारा इतिहास उनका पक्का होना चाहिए कि कब कहाँ क्या हुआ था। और एक है, और दूसरा है कि मैं इंडोर एक बंद रूम में, बंद खोली के अंदर एक 40-50-100 आदमी लेकर मैं 5 घंटे उनको ये भीमा कोरेगांव से अन्नाभाऊ साठे के मूवमेंट तक 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का निर्वाण हो चुका, उसके बाद 1961 में अन्नाभाऊ साठे ने एक कादंबरी लिखी फकीरा नाम, ये जो हिस्ट्री है, ये जो इतिहास है, बाबा साहब फुले से अन्ना भाऊ तक, अन्ना भाऊ से बाबा साहब तक, ये जो इतिहास है वो इतिहास बताकर लोगों को तुम्हारे शत्रु कौन है और तुम्हारे मित्र दोस्त कौन है जी, ये लोगों को मैं पक्का करता हूँ लोगों के मन में जी। बिल्कुल ऐसा मेरा कार्यक्रम, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको जब तक इतिहास पता नहीं होगा तब तक के मतलब वो स्ट्रांग चीज़ पैदा नहीं होगी। और कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि जिनको इतिहास पता नहीं वो आगे इतिहास बना नहीं सकते। इसी के बाद सर मेरा एक सवाल है आपसे कि आज के जो बहुजन समाज हम देखते हैं कि चाहे पॉलिटिकल बातें हो या धार्मिक हो, सब तरह से बट चुके हैं अलग अलग, इसमें
तो उनकी एकता वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, इस देश में जिन जिन महापुरुषों ने ये समता के लिए संघर्ष किया है, स्वतंत्रता के लिए, समता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष किया है, इन सब लोगों को यहाँ की जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के जो समर्थक है, उन्होंने ये महापुरुष को उनके जात में बंदिश किया है सबको। रविदास बोले तो चमार का संत हो चुका है, उनको चमार जाति में बंदिश किया है। बाबा साहब हो गए तो बाबा साहब ने एक ही महार कम्युनिटी में बंदिश किया है। तो इस देश का जो बहुजन समाज है, इस देश का जो बहुजन समाज अगर इकट्ठा करना है तो उनके लिए एक ही पर्याय है, तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी। उनके पीछे जात नहीं है, गौतम बुद्ध के पीछे जात नहीं है, सभी महापुरुषों के पीछे जात चिपका दिया है। यहाँ के जो जातिवादी लोग हैं, यहाँ के जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, उन्होंने ये सब अपने जो महापुरुष है उनके पीछे जात चिपका दिए है। इसीलिए लोग विचार के आधार पर एकता होते हैं, सिद्धांत के आधार पर एकता होते हैं। किसी लोगों को बोला कि भाई इकट्ठा हो जाओ तो लोग नहीं हो सकते। जिन लोगों का एक धर्म ग्रंथ होता है, जिन लोगों का एक आइडियोलॉजी होती है, जिन लोगों का एक अभिवादन होता है, जिन लोगों की संस्कृति एक होती है, ये लोग इकट्ठा हो जी, बिल्कुल। तो बुद्ध का प्रचार करना होगा, बुद्धिज्म का प्रचार करना होगा जी। और ये जो अपना अभिवादन है, जय भीम का जो अभिवादन है, जय भीम अभिवादन का प्रचार करना होगा। और जात का जो मानस शास्त्र है, कास्ट, या इस देश में जाति व्यवस्था है और हर जात की हर मानसिकता है, हर मनोविज्ञान अलग अलग है, वो मनोविज्ञान का स्टडी कर उनको समझाना होगा कि इस ये सिद्धांत पर लाना होगा जी। बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही बात, बुद्धिज्म के सिद्धांत पर लोगों को लाने के लिए जी। बुद्ध बोले तो लोगों को लगता है कि बुद्ध क्या, लोगों को पता ही नहीं। मैंने तो बोला बुद्ध बोले तो ज्ञान, बिल्कुल। बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं था, बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम जी, ऐसा नाम था। बुद्ध ये उपाधि है और बुद्ध बोले तो बुद्धित्व। ये लोगों को पता नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। तो ये फाइनल है इस देश में, ये किस सिद्धांत पर लोग इकट्ठा हो सकते, बुद्ध। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और इसी के साथ मुझे लगता है ये संदेश भी सभी तक जाता है कि अगर हमें सब इकट्ठा होना है तो इस विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही बस बुद्ध को समझना होगा, बुद्ध को सही मायने में हमें समझना होगा। सर, बहुत ही सही ये संदेश सभी तक जाता है। और इसी के साथ इस संवाद को अंत करने का वक्त यहाँ पर आ गया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर। और हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे और भी ऐसे विचारवंतों से हम आप और संवाद के अगले कई एपिसोड्स में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।